मेरी बात सुन, आईपीएस की गाड़ी है, मैं साहब को बात करता हूँ, ठीक है ना। मैं आपका बेटा हो सकता हूँ मगर आपके उम्र के बराबर का हूँ, ठीक है ना। ऐसे किसी के साथ आप बर्ताव करोगे, अगले को गाली गलौज करोगे? ये किसी लल्लू बंजू की गाड़ी नहीं है भैया। तब उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज किया और उल्टा सीधा बोला 300 रुपए ले भी लिए और ये बोला भी आप भाग यहाँ से भी। सिंगल पसली का इंसान है, कहीं उल्टी लग जाएगी मर जाएगा ऐसे करके। तो मेरे को ये चीज बुरी लगी, माँ बहन की गाली दी। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट टीवी पर हमने कई बार आपको ऐसी रिपोर्ट्स दिखाई अलग अलग एरियाज, अलग अलग राज्यों के अंदर, जहां पर कुछ लोग गाड़ी को रोकते हैं और फिर रोड सेफ्टी या रिफ्लेक्टिव टेप्स के नाम से 200, 400, 500 जो बन पड़े वो वसूल लेते हैं गाड़ी मालिक से, गाड़ी के ड्राइवर से। लेकिन पहली बार 3 साल के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि पहली बार एक गैंग ऐसा रिफ्लेक्टिव टेप्स के नाम पर पैसे हेंटने वाला, वसूली करने वाला गैंग पकड़ा गया है, जिसकी वजह है एक हिम्मत वाला ड्राइवर या गाड़ी मालिक कहें और एक जानदार पुलिस ऑफिसर। जी हां, दोनों की मिली भगत से ये गैंग पकड़ा गया है। 7 लोग पकड़े गए हैं हाईवे के ऊपर इस तरीके की लूट मचाने वाले। बहुत ही अच्छी खबर आज की इस ग्राउंड रिपोर्ट में, एक छोटे से कमर्शियल के बाद। आपकी गाड़ी के लिए भरोसे वाला वाहन बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर मिलेगा। ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के बीमा सेक्शन में जाएं, वाहन सूची में अपनी गाड़ियों के नंबर डालें या फिर 90831 90831 पर अपने गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप कर दें। आप भरोसा कर सकते हैं हम पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। बाबूलाल हैं, राजस्थान का गाड़ी नंबर है, इनके भाई की ये गाड़ी है और ये इस गाड़ी के ऊपर ड्राइवर थे। जब इनकी गाड़ी गोंडा यूपी से यमुनानगर हरियाणा आ रही थी, 8 जनवरी को ये गाड़ी गोंडा यूपी से चली है यमुनानगर हरियाणा के लिए और अभी यूपी के अंदर ही है जब ये कांड पूरा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हुआ है। अभी हरियाणा नहीं पहुंची थी गाड़ी। मुरादाबाद का बाईपास है और उसके पास कोई जगह है पखवाड़ा। पखवाड़ा पुलिस स्टेशन के एरिया पड़ता है जहां पर ये लोग 8 लोग थे कुल, गाड़ी में आए 8 लोग और इनकी जो ड्रेसअप था वो कुछ हद तक ट्रैफिक पुलिस जैसा था जो हमें बताया गया बाबूलाल के द्वारा। तो रोका गया गाड़ी को और बड़े ही रौब के साथ बोला गया कि रिफ्लेक्टिव टेप की पर्ची आपको कटवानी पड़ेगी, पीली पर्ची थी, 300 रुपये दीजिए रिफ्लेक्टिव टेप। तो बाबूलाल भी देखते रहे होंगे ट्रांसपोर्ट टीवी काफ़ी देर से, तो उनको पता था कि किस तरीके से ये लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। उन्होंने बोला कि रिफ्लेक्टिव टेप लगाना मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार ज़रूरी है, मुझे पता है और मेरी गाड़ी पे ये लगे हुए हैं, पर्ची किस बात की, और पर्ची से कोई रिफ्लेक्टिव टेप थोड़ी लग जानी है ना। मुझे आप कोई बेच रहे हो कि मैं आपसे रिफ्लेक्टिव टेप आप मेरी गाड़ी पे लगा रहे हो, मैं उसका 300 रुपये दे रहा हूँ। पर्ची लगाने से रिफ्लेक्टिव टेप का क्या लेना देना है और इस तरीके से हाईवे पर रोक कर इसका क्या लेना देना। तो समझ गए कि फ्रॉड है और जो पुलिस के भेस में कुछ हद तक ये लोग आए हुए हैं। लेकिन आप ये भी समझिए कि बाबूलाल ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ एक खलासी होगा, मुझे पता नहीं था कि नहीं, और 8 लोग हों सामने, कितना मुश्किल है इस तरीके से, और आपका एरिया भी नहीं है, ठीक है, वहाँ पे 8 लोगों से ऐसे बहस करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी उन्होंने करी, ये सारी चीज़ें उनको बोली, लेकिन उधर से मिसबिहेव शुरू हुआ, गाली गलौज शुरू हुआ, धमकियाँ शुरू होगी। सीधा सीधा उन्होंने बोला कि भाई 300 रुपये निकाल दें। तो बाबूलाल के पास कोई चारा नहीं था, 300 रुपये निकाल तो दिया, गुस्से में वहाँ से गाड़ी लेकर निकल भी पड़े अपने जहाँ पर उनको आगे निकलना था, यमुनानगर की साइड। लेकिन दिमाग में शांति नहीं आई, ये रहा यार कि गलती हो गई। कई बार क्या होता है, बात 200-300 रुपये की नहीं होती, आपको ना अंदर से फीलिंग आती है कि यार मेरे साथ ठगी हुई है, यार मेरे साथ चीटिंग हो गई है, तो आपको वो चैन नहीं लेने देती। वही चीज़ हुई इनके साथ। आगे 5-7 किलोमीटर गए तो एक ढाबे पे गाड़ी रोकी, वहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि यार ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ करना चाहिए। उन्होंने सर्च करा उस एरिया में कि एरिया कौन सा, पता चला मुरादाबाद, तो ASP मुरादाबाद का नंबर मिल गया उनको इंटरनेट से। ASP मुरादाबाद सागर जैन है आजकल वहाँ पर, और उनका फ़ोन नंबर मिल गया मोबाइल सीधा, और उसके ऊपर उन्होंने कॉल कर दी और उन्होंने भी ASP सागर जैन जो है उन्होंने पूरी बात पेशेंस के साथ सुनी। उन्होंने पूरा किस्सा बाबूलाल ने बताया कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने बोला कि तुम ऐसा एक काम करो, कहीं मत जाओ, वहीं रुको, आज इनको पकड़ेंगे, इनके लिए एक जाल बिछाते हैं और तुम्हारी मदद इसमें चाहिए हमें। तो इमीडिएटली बाबूलाल तो तैयार हो गया, कहाँ ऐसे ऑफिसर आजकल मिलते हैं जो कहे इतनी जल्दी एक्शन लें और बोलें कि भाई है ना तुम हमारा साथ दो और जाल बिछाते हैं इनको पकड़ते। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आप बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि 1 या 2 ट्रक और चाहिए, आप उसका इंतज़ाम करो, तब तक मेरी टीम वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पर इन्होंने यही गाड़ी लेके जाता तो उनको शक हो जाता,
तो ये गाड़ी तो उसने अपनी वहीं खड़ी कर दी, और वहाँ पर ढाबे पे जो और ड्राइवर मौजूद थे उनको पूरी कहानी बताई। पहले तो वो भी ना माने गए, यार ऐसे थोड़ी हो सकता है कि पुलिस वाले आ रहे हैं तेरी मदद करने, पर ग्रेजुअली वो मान गए और वो दो गाड़ियाँ लेकर ये वापस उसी रास्ते पे वापस हो लिए। और ASP साहब वहाँ तक पहुँच गए, सागर जैन वो पहुँच गए और खुद वो एक गाड़ी के अंदर सवार हो गया, और ये खुद बाबूलाल भी गाड़ी में सवार हो गया, ये दो गाड़ियों में, और वो जो उन जिनकी गाड़ियां थी वो ड्राइवर भी इन गाड़ियों के अंदर। तो ये चार पांच लोग उसके अंदर सवार हो गए, और एक ऑल्टो गाड़ी पीछे पीछे जिसके अंदर पुलिस वाले थे, जो ASP सागर जैन की टीम थी, वो भी उसके अंदर सवार हो गए, और ये वापस वहीं पर चल दिए उसी स्पॉट पर जहां पर ये 300 रुपये की पर्ची काटी गई थी। अब अकेले नहीं है आप, देश की पहली ट्रांसपोर्ट हेल्पलाइन आ चुकी है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर, अभी डाउनलोड करें। तो जैसे ही वहां पहुंचे और उन्होंने हाथ दे दिया, उनको लगा एक नया बकरा आया है, हलाल होने आया है, तो उन्होंने हाथ दिया ASP जिस गाड़ी के अंदर बैठे थे उसी गाड़ी के ड्राइवर से, उन्होंने 300 रुपये मांगे कि तुम्हें पर्ची दी जाएगी। जैसे सिखाया था ड्राइवर ने, बोला किस बात के लिए है, तो उन्होंने बोला रिफ्लेक्टिव टेप के लिए। जब पूरी चीज़ सामने आ गई एक तरीके से सबूत के रूप में, तो इमीडिएटली जो टीम थी वो पीछे कार में, और ASP सागर जैन खुद गाड़ी से उतरे और फटाफट उन्होंने उन 8 में से 7 लोगों को वहीं धर लिया। 8वां भागने में कामयाब हो गया, अभी भी फरार है, लेकिन 7 लोग पकड़कर हवालात में डाल दिए गए हैं। क्या हुआ? 800 रुपये। किस चीज़ का? अरे मेरे को ये पढ़ना नहीं आता भाई साहब, बताओ। मेरी बात सुन, IPS की गाड़ी है, मैं साहब को बात करता हूँ, ठीक है ना? ये ले जाइए चाबी, IPS साहब से बात करता हूँ, ठीक है ना? हाँ ये ले पकड़ा, ऐसे मेरे से मत कर, ठीक है ना? पहले मैं कैप्टन साहब से बात करता हूँ, बाद में बात करूंगा, ये आप लड़ाई झगड़ा नहीं कीजिए। मैं आपका बेटा हो सकता हूँ मगर आपके उम्र के बराबर का हूँ, ठीक है ना? हाँ बिल मिला लेता हूँ, ये आप अपनी पर्ची पकड़िए। ऐसे किसी के साथ आप बर्ताव करोगे? हाँ मिला रहा हूँ ना, आप ऐसे बर्ताव करोगे अगले के साथ, अगले को गाली गलौज करोगे? ये किसी लल्लू बंजू की गाड़ी नहीं है भैया, समझ रहे हो आप? और इनके ऊपर IPC की धारा 384 और 504 के तहत मुकदमा दायर कर लिया गया है। 384 पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन, किसी से वसूली करने की धारा है जो इनके ऊपर लगाई गई है, और फिलहाल ये लोग हवालात में हैं। 8वां जो बंदा फरार है उसको ढूंढा जा रहा है। और इतने में बाबूलाल से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अब ये जो 7 लोग पकड़े गए हैं इनकी जो फैमिली है उनके मुझे फ़ोन आ रहे हैं, उनका मुझे प्रेशर है मेरे ऊपर कि तुम ये केस वापस ले लो और हमसे समझौता कर लो, कॉम्पनसेशन ले लो। लेकिन बाबूलाल से हमने पूछा कि फिर आपने क्या सोचा, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी मुझे कोई कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई समझौता नहीं करना है, मैं इन लोगों को सज़ा दिलवा के रहूँगा और मैं इस केस को आगे लेकर जाऊँगा। इसी बात को लेकर हमारा बाबूलाल जी को सल्यूट है और ASP सागर जैन जी को हमारा सल्यूट है। बहुत कम मौका मिलता है जब पुलिस वालों की तारीफ करें हम ट्रांसपोर्ट TV पर, क्योंकि काम ही ऐसे कभी कभी होते, और सागर जैन जी ने करा है, बहुत बहुत उनका, हालांकि ये फर्ज है पुलिस का, लेकिन फिर भी जब नॉर्मल पुलिस वाले कुछ करते नहीं है और फिर कोई एक अच्छा पुलिस वाला कुछ काम करता है तो उसकी तारीफ करनी बनती है, अप्रिशिएट करना बनता है, जो कि हम करते हैं ट्रांसपोर्ट TV की टीम की तरफ से। बहुत ही सर अच्छा काम किया है आपने, और उम्मीद करेंगे कि और ऑफिसर जो हैं वो भी इसे सीख लेंगे, और कम से कम ये बड़े लुटेरे ना से, ये छोटे छोटे जो 300-500 यहाँ जगह जगह पर खड़े हैं इन लोगों से तो छुटकारा दिलवाओ। यहाँ जो ये नकली RTO बन के, नकली पुलिस वाले बन के पैसे हेंट कर ले जाते हैं, कम से कम इनसे तो छुटकारा ऑफिसर चाहे बहुत इजीली दिलवा सकते हैं। खैर फिर से एक बार बाबूलाल जी और ASP सागर जैन का बहुत बहुत आभार है और बहुत बहुत बधाई उनको इस काम के लिए। और आप भी एक समझदारी का काम कीजिए कि ट्रांसपोर्ट TV जब आपको देखना ही है तो देखें उसको ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में, और जीतें ढेरों इनाम भी। ट्रांसपोर्ट TV देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में TV देखने पर हर दिन मिलेंगे इनाम। जी हाँ दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप पर ट्रांसपोर्ट TV देखने वाले 5 लोग हर दिन जीतेंगे 5 लीटर डीजल। और हाँ, जो सबसे ज्यादा महीने भर ट्रांसपोर्ट TV देखेगा उसे मिलेगा एक शानदार LED TV। यानी कि जितना ज्यादा आप TV देखेंगे उतने आपके पॉइंट्स बनते जाएंगे, और उन पॉइंट्स को चेक करने के लिए या ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के रिवॉर्ड सेक्शन में जाएं। यानी अब खबरें भी और इनाम भी, ये हुआ ना आम के आम गुठलियों के दाम।